आमलेट कितनी ज़बरदस्त तैयार हो गई है और कितनी माशाल्लाह मलाई जैसी। तो आप जी अंडे पराठे के साथ यूज़ कर सकते हैं खाने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल रफाकत ऑफिशियल फूड सीक्रेट। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आपकी शादर वाद रखे। तो आइए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। आज हम बनाएंगे इजी ब्रेकफास्ट। अगर आपके पास वक्त कम है तो आप जल्दी ये बना सकते हैं और पेट भर के नाश्ता कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं आज हम क्या बना रहे हैं। सब्ज मिर्च और टमाटर लिए हैं, एक प्याज लिया है और एक अंडा लिया है और थोड़े से चावल लिए हैं। अब हम इन सब चीज़ों को ब्राइंड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले सब्ज मिर्च को काट लेंगे। अब टमाटर को काट लेंगे। ये हमने ग्राइंड करना है इसलिए इसके ऐसे ही टुकड़े करेंगे। प्याज काटेंगे, अब हम इन सब चीज़ों को ब्रेंड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम इस मसालों को ब्रेंड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो थोड़ा सा पानी डालेंगे और इन चीज़ों को अच्छी तरह ब्रेंड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी तरह ब्रांड हो चुका है। अब इसमें भिगो कर रखे हुए चावल डालेंगे। ये चावल जो हमने भिगो कर रख दिए थे, ये भी अच्छी तरह पेस्ट बन गया। अब इसमें डाल देंगे एक अंडा, एक अच्छा अंडा डाल देंगे। तो अब डालेंगे नमक मिर्च और हल्दी, एक एक स्पून लेना आप लोगों ने। दोबारा से ग्राइंड करेंगे। मुझे अच्छी तरह ब्रांड हो चुका है। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो घी अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पेस्ट डाल देंगे पूरी बनाया हुआ। अब इसे 5 मिनट में पकाएंगे, 5 मिनट तक पकने देंगे। तो आप लोगों ने इसे ऐसे ही रहने देना है। 5 मिनट के बाद इसे एक साइड से पक जाए। ये देखिए अच्छी तरह मिक्स हो रहा है, बड़ा ज़बरदस्त आलम बनेगा इसका। अब
पराठे के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं। तो आप लोगों ने इसे ऐसे चम्मच के साथ प्रेस करना है और ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रोटी टाइप बनेगा आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें बिल्कुल तैयार हो चुका है, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें राइस आमलेट कितनी ज़बरदस्त तैयार हो गई है और कितनी माशाल्लाह मलाई जैसी। तो आप ये हमारे साथ यूज कर सकते हैं, खाने के साथ रोटी के साथ खा सकते हैं। बहुत ही जल्दी से आसानी से ये बन जाती है। तो आप लोग ज़रूर घर में ट्राई करें शार्ट चीज़ों के लिए अगर आपके पास वक्त कम है। तो यही थी हमारी आज की रेसिपी, अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें और जो लोग नए हो काइंडली सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।